Good morning, my dear student. How are you today? I hope you all fit and fine at home. Welcome back to science class. Yesterday we learned locating places, direction, reading a sketch. Then today we will learn maps and our country. Okay, today we will learn maps and our countries. Okay. So first of all, you take your pencil in your hand and I will tell you these sentences. Highlighted, you highlight this sentence. Okay, student. Shall we start? Then start. Write down C dot W, then DT, date. Which date is today? Today is 3rd April 2021. Okay. Student, maps. What is the meaning of maps? Maps का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर डायरेक्शन और मतलब स्केच बनाया हुआ होता है और मैप में ऐसी ड्राइंग की होती है जो डिस्टेंस, डायरेक्शन और फीचर्स को दर्शाता है. इन अ स्केच डायरेक्शन एंड अदर डिटेल्स आर नॉट मेंशन क्लियरली. ऐसी डायग्राम या ऐसा स्केच जिसमें दिशाएं नहीं दिखाई जाती है या दिशाएं दर्शाई नहीं जाती है, साथ ही साथ उसमें कोई भी चीज आसानी से या साफ साफ नहीं दर्शाया होता है. अ मैप इज अ ड्राइंग दैट गिव्स एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड अदर फीचर्स. मैप ऐसी ड्राइंग है या एक ऐसी आकृति है, मैप एक ऐसी आकृति है जिसमें कोई भी चीज की आइडिया एक्यूरेट नहीं होती है. मतलब ये चीज ऐसी ही है या ऐसी ही हो सकती है, ये नहीं दर्शाया जाता है. उसके पास वो जगह कितनी अंतर पे है, वो किस डायरेक्शन में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, ये भी नहीं क्लियरली बताया जाता है. और बाकी की छोटी छोटी डिटेल्स इसमें क्लियरली नहीं होती है. इट इज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर और क्लोथ. ये ऐसी जगह पे सिर्फ प्लेन सपाट जगह पर उसको ड्रॉ किया जाता है, प्लेन सपाट जगह पे उसको उसकी ड्राइंग की जाती है, ताकि प्लेन सपाट जगह पर उसको ड्रॉ किया जाता है पेपर पे या क्लोथ पे. इट हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इन अ स्मॉल एरिया. ये हमें क्या करती है, वो जगह कहाँ पर है या वो जगह कहाँ पर दी जाती है, वो जगह नहीं दिखाई देती है. इट हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इन अ स्मॉल एरिया. इट हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इन अ स्मॉल एरिया. इसी जगह पे क्या किया जाता है, इट हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इन अ स्मॉल एरिया. छोटी छोटी जगहों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है. इट हेल्प अस टू फाइंड द प्लेसेस वेयर अ पर्टिकुलर सिटी, स्टेट और अ कंट्री इज लोकेटेड ऑन द अर्थ. पृथ्वी के ऊपर जितनी भी देश है, पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश है, राज्य है या जितने भी शहर है, और वो किस जगह पे है, इसको दिखाने के लिए हेल्प करता है कौन, मैप. यू विल स्टडी मोर अबाउट मैप्स लेटर. अब मैप के बारे में आप और बहुत ज़्यादा जानकारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे. ओके, सो हम अब पढ़ेंगे पेज नंबर 114. ओके, पेज नंबर 114. इंडिया अवर कंट्री. भारत हमारा देश है. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस. अपने एटलस में भारत का जो मानचित्र है, भारत का जो नक्शा है, वो देखा होगा. यू विल सी इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड. आपने देखा होगा कि भारत तीनों तरफ से कहाँ से घिरा हुआ है, नदियों से, या फिर सॉरी तीनों तरफ से वो समंदर से घिरा हुआ है. भारत तीनों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है. देयर द थ्री वाटर बॉडीज दैट सराउंडेड इट आर. वो कौन कौन सी तीन है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, ये ऐसी तीन वाटर बॉडीज है, ऐसे ये तीन महासागर है जिससे भारत घिरा हुआ है. अब जब भारत का चित्र देखोगे, भारत का मानचित्र देखोगे, जैसे इस क्लासरूम में आपको भारत का मानचित्र दिखाया है, देखिए इसमें आपको भारत का मानचित्र दिखाया, तो आपने यहाँ पे देखा होगा एक दो नीचे और तीन, मतलब ये एक, ये दो और ये तीन.
तीनों साइड से भारत का जो नक्शा है, भारत जो है वो तीनों साइड से महासागरों से घिरा हुआ है। तो उनके नाम सिक्वेंसली यहाँ पर दिए हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अरब का महासागर, अरब का सागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल का महासागर और इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ऐसे तीनों महासागरों से ये घिरा हुआ है। टू द नॉर्थ ऑफ अवर कंट्री आर द हिमालयाज, और भारत के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, हिमालय है। भारत के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, हिमालय। जस्ट एज वी ऑल हैव नेबर्स, ये हमारे पड़ोसी देश है, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी है, ये हमारे सब पड़ोसी देश है। अवर कंट्री ऑल्सो हैज मेनी नेबर्स, हमारे देश में बहुत सारे क्या है, ये सारे देश क्या है, हमारे पड़ोसी है। जस्ट एज वी ऑल हैव नेबर्स, ये हमारे सब पड़ोसी है। अवर कंट्री ऑल्सो हैज मेनी नेबर्स, हमारे पड़ोसी में बहुत सारे देश है। दे आर कंट्रीज बॉर्डर इंडिया, देख वो हमारे इंडिया के बॉर्डर में लगे हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका आर अवर नेबरिंग कंट्रीज। ये जो देश दिए हुए इसको आपको हाईलाइट करना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, दीज आर अवर नेबर कंट्रीज, ये हमारे देश के पड़ोसी देश है। वी आर फ्रेंडली विथ अवर नेबर्स, हम हमारे पड़ोसियों के साथ बहुत ही भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहते हैं, उनसे कभी भी झगड़ा या कुछ भी नहीं करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व एक्टिविटी टाइम। नाउ राइट डाउन सी डॉट डब्ल्यू, डेट इज 3 अप्रैल 2021। एक्टिविटी टाइम, राइट डाउन सी डॉट डब्ल्यू डेट एंड डे। एक्टिविटी नंबर 1, स्टिक आउट द रॉन्ग वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। द अपोजिट ऑफ द नॉर्थ इज द साउथ ईस्ट, अपोजिट ऑफ द नॉर्थ इज द क्या आएगा, साउथ। नॉर्थ के अपोजिट साइड में क्या आएगा, साउथ, इसलिए ईस्ट को क्या करेंगे, क्रॉस आउट, और राइट करेंगे साउथ को। रीड द करेक्ट सेंटेंस, द अपोजिट ऑफ द नॉर्थ इज द साउथ। द सन सेट इज द इज इन द ईस्ट और वेस्ट, द सनसेट इज इन द ईस्ट और वेस्ट, यस वेस्ट, क्योंकि सूरज कहाँ डूबता है स्टूडेंट, वेस्ट में। द सनसेट इन द वेस्ट, सूरज वेस्ट में डूबता है। अ मैप स्केच इज अ रफ ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेस, अ मैप स्केच इज अ रफ ड्रॉइंग ऑफ प्लेस, मैप को क्या करेंगे, क्रॉस और स्केच। अ स्केच इज अ रफ ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेस, मैप को क्रॉस आउट कीजिए और स्केच को क्या कीजिए, टिक राइट। अ स्केच मैप गिव्स एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड अदर फीचर्स। अ स्केच मैप गिव्स एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड अदर फीचर्स, क्या आएगा, यस मैप, स्केच को क्रॉस आउट कीजिए। अ मैप गिव्स एन एक्यूरेट आइडिया ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड अदर फीचर्स। देन एक्टिविटी नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। देर आर 6 मेन डायरेक्शन, इट इज ट्रू, नो इट इज फॉल्स, ए एल एस ई। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, अ कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, यस ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 3, अ स्केच शोज द राइट डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, अ स्केच शोज द राइट डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस, इट इज ट्रू, स्केच क्या करती है, राइट डायरेक्शन दिखाती है। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी और थ्री साइड, इंडिया इज सराउंडेड बाय सी और थ्री साइड, यस इट इज ट्रू, तीनों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। ओके स्टूडेंट, इतना आपको एच डॉट डब्ल्यू राइट इन कॉपी करना है, होमवर्क राइट इन कॉपी। ओके स्टूडेंट, सी यू सून, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।